जबरदस्त, क्योंकि बीजेपी फंस गई है मझधार में। क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में जो दलित समुदाय को लेकर जो एक्ट सामने आया था, उसमें संशोधन करने की जो बात कही, अब उसको लेकर आज भारत बंद किया गया है सवर्णों की तरफ से। और आपको बता दूं कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसको लेकर अब जिस तरह से पूरे भारत में सवर्णों ने बंद का ऐलान किया है, और आज जगह जगह जो है आगजनी देखी गई है, लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, कई तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। और अगर मैं अभी फिलहाल अगर मध्य प्रदेश राज्य की ही बात करूं तो वहां पर सवर्णों का हल्ला बोल बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इसके अलावा कटनी, विदिशा, आगरा, बिहार, शिवपुरी, बिहार में अगर बात करूं, बिहार में ट्रेनों को रोका गया है। इसके अलावा कटनी, विदिशा, आगरा, बिहार और शिवपुरी में बहुत जबरदस्त जो है भारत बंद का हमें वहां पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और लगातार आप फुटेज में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से लोग हल्ला बोल कर रहे हैं दलित एक्ट में संशोधन के खिलाफ। सवर्णों का कहना है ये सरासर गलत है, और बताती हूँ कि आखिर इसकी कहानी क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च महीने में एसटी एक्ट में बदलाव किया था और कहा था कि मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर जिस तरह से दलितों ने अप्रैल में भारत बंद किया और उस दौरान भी काफ़ी हिंसा का दौर देखने को मिला था, इसके बाद मोदी सरकार की नींदें उड़ गईं और फिर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया संशोधन करने का। अब ऐसे में दलितों को रिझाने में जुटी बीजेपी अब सवर्णों का कहीं ना कहीं विश्वास खो रही है, और इसके लेकर अब सवर्णों को लेकर कहीं ना कहीं जो उसका वोट बैंक कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि साल 2014 का अगर जिक्र करूँ मैं लोकसभा चुनाव का, तो उस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस पिछड़ी जातियों और दलितों पर था। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने कहा कि दलित हमारे भाई हैं। इसका मतलब ये है कि वो दलितों का कार्ड खेल रहे हैं, और ऐसे में निराश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल में जो भारत बंद का मंजर देखने को मिला वो वाकई बहुत ही दिल दहलाने वाला था। किस तरह से दलितों ने प्रदर्शन किया, पूरे भारत में हिंसा का दौर देखा गया, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ गई, और फिर मोदी सरकार को फैसला लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और सुप्रीम कोर्ट को जो कोर्ट का जो फैसला आया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दलितों का गुस्सा भड़का था, और लोगों ने कहा था कि दलितों के साथ भेदभाव है और दलितों के साथ होने वाली हिंसा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और SC ST एक्ट के बारे में आपको जानकारी देती हूं कि आखिर क्या है SC ST एक्ट जिसके खिलाफ सवर्णों का गुस्सा फूट रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में, जिसका असर कल यानी कि 7 सितंबर तक भी देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से SC और ST अधिनियम 1989 बनाया गया था, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे मुल्क में ये एक्ट लागू किया गया है। इसके तहत इन लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए और इनकी हर संभव सहायता के लिए जरूरी उपाय किए गए। इन पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि अपनी बातें खुलकर रख सकें। और हाल ही में SC ST एक्ट को लेकर उबाल उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के प्रावधान में बदला कर इसमें कथित तौर पर थोड़ा कमजोर बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव करने की बात कही थी वो ये थी कि मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि पहले हो जाया करती थी, शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाएगा, जो कि हो जाया करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने के बाद DSP स्तर के पुलिस अफसर की तरफ से शुरुआती जाँच की जाएगी, और जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से ज़्यादा समय तक नहीं होगी, ये जबकि ये पहले ऐसा नहीं था। और DSP शुरुआती जाँच कर नतीजा निकालेंगे कि शिकायत के मुताबिक क्या कोई मामला बनता है या फिर किसी तरीके से झूठ आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। इसी बात के खिलाफ दलित समुदाय का गुस्सा भड़का था, वो अप्रैल महीने में इसी साल अप्रैल में
दलितों ने भारत बंद बुलाया था और पूरे देश में इसका मंजर खौफनाक देखा गया था। संशोधन के बाद एक्ट कैसा होगा ये जान लीजिए आप। अब मोदी सरकार जो संशोधन कर रही है, 2018 के जरिए मूल कानून में धारा 18A जोड़ी जाएगी, इसके जरिए पुराने कानून को बहाल किया जाएगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रावधान रद्द हो जाएंगे। मामले में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी और आरोपी को हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी। और मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर करेंगे और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा और एससी एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी। और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, यानी कि पुराने कानून को बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान दिए थे वो रद्द होंगे और पुराने केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी होगी। आरोपी को एडवांस में जो बेल है वो नहीं मिल पाएगी, आरोपी को हाईकोर्ट से ही जमानत लेनी पड़ेगी। ये बदलाव के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका अपोजिट किया मोदी सरकार ने और अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है सवर्णों को। ये कहना है ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है और दलितों के एक्ट में संशोधन करके कहीं ना कहीं जो है वो सवर्णों को दरकिनार कर रही है। और आज पूरे देश में भारत बंद देखने को मिला और लगातार कई शहरों से फुटेज सामने आई हमारे पास और पूरे देश की फुटेज आप देख पा रहे होंगे। चाहे मैं बिहार का जिक्र, चाहे मैं उत्तर भारत के कई राज्यों का जिक्र करूँ या फिर जिक्र करूँ सरकार की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है, कम से कम 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा जब हमारे संवाददाताओं ने बात करने की कोशिश की जो भारत बंद में शामिल है सवर्णों से, तो देखिए उन्होंने SC ST एक्ट के खिलाफ क्या जहर उगला है। सुनिए जरा क्या कहा है इन लोगों ने। SC ST जो है उसके विरोध में सवर्णों ने बंद का आह्वान किया है और उसी के समर्थन में आज ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद हैं और ये तब तक बंद रहेंगी जब तक कोई फेवरेबल जवाब सरकार की तरफ से नहीं आएगा। SC ST एक्ट जो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना करते हुए सरकार ने जो आदेश जो पारित किया था उसके विरोध में जो है हमने आज अपनी दुकानें बंद की हैं। सरकार ने जो आदेश पारित जो किया है सवर्णों के लिए वो बहुत ही घातक है और SC ST एक्ट ये है कि अगर हम किसी से भी अगर कोई बात भी कर लेते हैं तो वो हमें तुरंत जेल में डाल देता है, उसको इतनी पावर मिल चुकी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। SC ST एक्ट में जो है हम अगर किसी दलित को कुछ भी बोल देते हैं, यानी शब्द की कितनी महत्वता है। अगर एक SDM या क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है, सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी है। और नितिन क्यों बंद है ट्रांसपोर्ट कंपनी आपकी? ये SC ST जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बदला है उसके विरोध में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो केंद्र सरकार ने बदला उसके विरोध में? बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो फैसला बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का उसके चलते सब लोग नाराज हैं। ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो सही था, अब जो मोदी सरकार ने किया है वो फैसला गलत किया है। तो किस तरह विरोध जता रहे हैं अपना बंद करके? तो सुना आपने किस तरह से इन सवर्णों का गुस्सा फूटा है दलितों के खिलाफ और इस तरह से क्या हम जिस, हालांकि पहले भारत बंद दलितों की तरफ से अब सवर्णों की तरफ से भारत बंद हमें सोचने पर विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि आखिरकार हम किस धर्रे पर जा रहे हैं। हम देश में सद्भाव सद्भावना भाईचारे की बात करते हैं, हम जात धर्म से ऊपर की राजनीति में विश्वास रखते हैं, तो फिर आखिर मोदी सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्यों मोदी सरकार फिर दलितों के पक्ष में या सवर्णों के पक्ष में क्यों ऐसे अपनी राजनीति खेल रही है? क्योंकि हमेशा से ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही मैं, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबका रोल है, सिर्फ बीजेपी का रोल नहीं, इसमें सारी पार्टियां दोषी है। क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो आरक्षण की बात को लेकर अगर सामाजिक व्यवस्था की गई थी तो वो किसी और तरीके, किसी और कल्पना को लेकर की गई थी, लेकिन आज उसको सियासी हथकंडा बना लिया गया है और आज उसी पर काफी जो सियासी रोटियां से की जा रही हैं। अब दलित एक्ट में संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार को लेकर सवर्णों ने घेरा है। अब सवर्णों को रिझाने के लिए
बीजेपी क्या करेगी अब ये भी देखना बाकी है, क्योंकि लगा अगले साल लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में धारा 144 लगना बता रहा है कि वहाँ पर मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। 10 जिलों में हाई अलर्ट का मतलब तो यही है। ऐसे में बीजेपी को तो फैसला लेना ही पड़ेगा, और सवर्णों का अगर वोट बैंक इस बार खिसका तो समझिए फिर बीजेपी की भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो प्रदर्शन है वो बिगड़ सकता है, और इसका पूरा फायदा विरोधी पार्टियों को मिल सकता है। और सबसे पहले अव्वल पार्टी होगी कांग्रेस, और कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है, या फिर निर्दलीय भी जीत सकते हैं चुनाव। तो ऐसे में क्या होगा, और बहुत सोचने वाला विषय है कि हमारे देश में जात के नाम पर अब इस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ और घटनाक्रम सामने आते हैं भारत बंद को लेकर। नमस्कार।